आज के समय में तस्वीरें खींचना कितना आसान है ना। सबके पास मोबाइल है, मोबाइल में ही कैमरा। आज से करीब 9 दशक पहले एक लड़की का खबरों और घटनाओं को अपने कैमरे में उतारना नामुमकिन सी बात लगती है ना। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि वह एक लड़की थी, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वह फोटो जर्नलिज्म के क्षेत्र में आने वाली पहली भारतीय लड़की थी। हम बात कर रहे हैं भारत की पहली महिला फोटो जर्नलिस्ट होमी वायरावाला के बारे में। 9 दिसंबर साल 1913 पारसी दंपति दोसाबाई और सोनाबाई हाथीराम के घर गुजरात के नवसारी में जन्म लिया होमी ने। होमी ने अपना अधिकतर बचपन यात्रा करते हुए ही बिताया था, क्योंकि उनके पिता एक यात्रा करने वाले थिएटर ग्रुप में अभिनेता थे। फिर उनका परिवार मुंबई में आकर बस गया, जहां उनके माता पिता ने उनकी बेहतर शिक्षा के लिए एक अच्छे स्कूल में उनका एडमिशन कराया। उस स्कूल के 36 विद्यार्थियों में से 10वीं की परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली वो एक लौती लड़की थी। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आगे की पढ़ाई करने से पहले होमी सेंट जेवियर कॉलेज से डिप्लोमा करने के लिए मुंबई आई। वहीं इनकी मुलाकात मानेकशॉ वायरावाला से हुई, जो टाइम्स ऑफ इंडिया के फोटोग्राफर थे। उन्होंने ही होमी का परिचय फोटोग्राफी से करवाया था। यहाँ से शुरू होने वाला था फोटो जर्नलिस्ट होमी वायरावाला का सफर। होमी कॉलेज में ही थी जब उन्हें फोटोग्राफी के लिए पहला असाइनमेंट मिला। उनकी शुरुआती तस्वीरों में अलग अलग हालात से गुजरते लोगों की तस्वीरें शामिल थीं। साल 1942 में होमी दिल्ली आ गई। यहाँ उन्होंने ब्रिटिश इंफॉर्मेशन सर्विस के लिए बतौर फोटोग्राफर काम करना शुरू किया। अपने पीठ पर करीब 9 किलो का कैमरा बांधे वो दिल्ली को अक्सर साइकिल से नापा करती थी। होमी वायरावाला ने फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर भारतीय राजनीति की कई घटनाओं की तस्वीरें खींची। कई राजनीतिक हस्तियों की महत्वपूर्ण तस्वीरें भी उन्होंने ली। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना, इंदिरा गांधी और नेहरू गांधी परिवार की कई महत्वपूर्ण तस्वीरें उन्होंने ही ली। साल 1956 में उन्होंने लाइफ मैगजीन के लिए 14वें दलाई लामा की तस्वीर तब खींची थी जब वे पहली बार भारत के सिक्किम में आए थे। इसके अलावा भारत की स्वतंत्रता के शुरुआती दौर की कई महत्वपूर्ण तस्वीरों को खींचने का श्रेय भी होमी को ही जाता है। साल 1970 में उन्होंने अपने करियर की आखिरी तस्वीर खींची, जो कि इंदिरा गांधी की ही थी। साल 2010 में उन्हें नेशनल फोटो अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट से सम्मानित किया गया था। इसके अगले साल ही उन्हें पद्म विभूषण से भी नवाजा गया। 15 जनवरी 2012 को उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एक ऐसा क्षेत्र जिसमें पुरुषों का होना आम और महिलाओं का होना मुमकिन तक नहीं था, वहाँ होमी का दखल देना वाकई प्रेरणादायक था। होमी ने जिस काम की शुरुआत की थी, उसे उनकी आगे की पीढ़ी की लड़कियों ने जारी रखा है। होमी अपनी खींची हुई तस्वीरों के जरिए हमारे बीच हमेशा मौजूद रहेंगी।